गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भाजपा प्रत्याशी बिसाहूलाल सिंह की अमर्यादित टिप्पणी को लेकर कहा कि उन्होंने अभी बिसाहूलाल का बयान नहीं सुना है, लेकिन अगर बिसाहूलाल ने कोई असंसदीय शब्द बोले हैं तो उसके लिए वे माफी मांगते हैं। लेकिन क्या कमलनाथ और दिग्विजय सिंह एक दलित महिला पर अभद्र टिप्पणी पर माफी मांगेंगे? उन्होंने कहा, ग्वालियर चंबल की जनता महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए बिसाहूलाल सिंह भाजपा के लिए परेशानी की वजह बनते जा रहे हैं। बिसाहूलाल ने अपने प्रतिद्वंदी की पत्नी पर अभद्र टिप्पणी कर भाजपा को संकट में ला दिया है, जिसको लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने माफी मांगते हुए कहा कि उन्होंने बिसाहूलाल का वो बयान सुना नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है तो संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते वे माफी मांगते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या वे इमरती देवी पर की गई अभद्र अमर्यादित टिप्पणी पर माफी मांगेंगे। नरोत्तम ने कहा, ग्वालियर की जनता भूख बर्दाश्त कर लेगी पर महिला का अपमान नहीं। कांग्रेस कभी रावण कभी नंगा भूखा तो कभी आइटम शब्द बोलकर मुद्दों से भटकाना चाहती है ताकि कोई इनके शासनकाल का हिसाब न मांग ले। मैंने उनकी बाइट सुनी नहीं है, पर अगर आपत्तिजनक कुछ है और किसी को ठेस लगती है तो मैं संसदीय कार्य मंत्री माफी मांगता हूँ। लेकिन माफी मांग लेना अगर किसी ऐसी महिला से क्या बुरा है, अगर आपने उसको आइटम कहा है तो आपने खेद व्यक्त किया है, गलती नहीं मानी पर अर्थ समझाने लगे। उनका ये कहना कि फालतू के मुद्दे, अब ये फालतू की बातें बोलते क्यों हो आप और लगातार क्यों बोल रहे? ना हमने वहां मौन साधा ना हमने यहां मौन साधा, यहां तो आपने कहा है, हमने कहा था, हमारे कहने से बोल रहे हैं क्या कमलनाथ जी? अगर बोलते हो तो बताएं, फिर हम उनको सही मार्ग भी बताएंगे। पछताए का होते चिड़िया चुन गई खेत, कभी पहले जब 15 महीने रहे ऐसा कुछ कर दिया होता तो आज दोबारा घोषणा पत्र निकालना ही क्यों पड़ता? दोबारा घोषणा पत्र इसलिए निकालना पड़ रहा है कि पहले पे कुछ नहीं किया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।